मेरा बेबी का मुझसे आ गया है। और मुझे पता चला है मेरी बेबी आज इतनी जोश में थी कि मेरी बेबी ने ब्लॉग नहीं वेब सीरीज शूट कर दी। मैं बोलने लगती तो बहुत बोल जाती हूँ ना, मुझे पता नहीं चलता। हो सकता है ये ब्लॉग आधे घंटे का हो, लेकिन आपसे गुजारिश है आज झेल लीजिए, कल से छोटा रखेंगे। फर्जी का सीजन 2 संभावना ही शूट कर दी। चैनल सुबह का दिन है और आई डोंट नो कितने बजे हैं, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तैयार हूँ एकदम। अविनाश गया हुआ है अपनी एक्सरसाइज के लिए और आपको बता दूं कि वो अब ट्रैवल भी करने वाला है, थोड़े दिन के लिए करेगा, फिर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो ट्रैवल करेगा, तो ही इज नॉट गोइंग टू बी अराउंड ऑल्सो। तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे है, बट ये जाने वाला है जल्दी, इसका शूट है और जाएगा, मुंबई में नहीं है, बाहर जा रहा है, और बाहर मतलब है इंडिया में ही लेकिन बाहर जा रहा है, और वापस आएगा और फिर लंबे टाइम के लिए चला जाएगा, हो सकता है उसके बीच में मेरा भी ट्रैवल हो, तो ये सारी चीजें तो होती रहेंगी। आप मिल लो मेरी चुट्टी, कहाँ है पुट्टी, पुट्टी पुट्टी हरी और कुट्टी, चिट्टी पुट्टी कुट्टी, कुट्टी नहाई हुई है। अमिता तूने इसको नहलाया, तूने इसको कंघी वगैरह की, ये क्या कर रही है? अच्छा चावल बना रही है, यहाँ पे अमिता चावल बना रही है और कुछ भिंडी काट रही है। मैं बनाऊँ क्या भिंडी की सब्जी? नहीं मैं खुद बनाऊंगी। मैं बनाती हूँ, तू सिर्फ काट के दे मेरे को, आज मैं बनाती हूँ भिंडी की सब्जी। सरसों का तेल निकाल देना, सरसों के तेल में बनेगी भिंडी की सब्जी, और मैं तब तक कर देती हूँ चेरी की कंघी। एक हमारे एप्स हैं, इस उम्र में भी नहीं बन रहे, और एक शाहरुख खान है कि अभी भी एप्स बना ले रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है भाई, नहा के बड़ा अच्छा लगता है, गर्मियाँ इतनी ज्यादा हो गई हैं। दो महीने थोड़ा फिर भी ठंडा नहीं पहना है, मतलब ऐसा नहीं है कि गर्मी के कपड़े पहने हैं, लेकिन आई एम फाइन विद सच क्लोथ्स, इतना तक मुझे चलता है। अब तो बाकी कपड़े ना अमिता पता है क्या, जितने भी गर्म कपड़े हैं ना अब उसको डाल देते हैं अंदर, है ना, इकट्ठे करके, क्यों ड्रॉर में इधर रखे, क्योंकि गर्म कपड़े काम आएंगे नहीं। अब आज ही करती हूँ कोशिश, आ जा चेहरू। हेलो हेलो कर रहा है, हेलो हेलो करता हुआ चेहरू, हेलो हेलो करता हुआ चेहरू बाबा, नहा के भी वैसी की वैसी ही लग रही है। क्या हो गया मेरे बच्चे को, एकदम कलर ही चेंज हो गया, नजर ही लग गई लोगों की, मेरा बच्चा सफेद से लाल हाथी बन गया। और मैं आपको बता दूं कि चेरी ना अब उसकी एज बहुत ज़्यादा फर्क डाल रही है इन टर्म्स ऑफ हर रनिंग, हर वॉक्स, जब ये घर में उठती है ना तो ये बराबर से नहीं उठ पाती है, धीरे धीरे उठती है। दो इसकी मेडिसिन चल रही हैं, पेन किलर्स चल रही हैं मॉर्निंग इवनिंग, वो भी मुझे डॉक्टर को दिखाना है कि इसका क्या करना है, कब तक पेन किलर्स चलती रहेंगी। इट्स बीन ओवर अ मंथ इसकी पेन किलर्स चल रही हैं, तो इसकी स्पाइन में ना प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लमेटिक डॉग था, हमें पता था, मतलब कोको के जाने के बाद ना अब सारी चीजें ना इरप्ट होके आ रही हैं। इज इट बिकॉज कोको चला गया और इसको बहुत उस चीज का वो लगा है धक्का, क्योंकि बता तो सकते नहीं है। देखो कोको जाने के बाद हाँ ये जरूर हुआ कि जब अमिता भी चली गई तब बहुत बड़ा एक डिफरेंस मुझे चेरी के अंदर दिखा, मतलब चेरी बहुत शांत हो गई थी, चेरी बहुत डिप्रेस हो गई थी। अगर आपको याद हो हम लोग 31st के टाइम पे इनको इन्हीं के लिए गए थे कि थोड़ा सा हम लोग बाहर लेके जाएंगे, इनका अच्छा मूड होगा, लेकिन उस समय हमें ज्यादा रियलाइज हुआ कि चेरी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। कोको के जाने का भी था, इसकी हेल्थ का भी था, और वो उसके बाद इसकी हेल्थ तो डेफिनेटली डाउन जा रही है। इसकी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए जो दवाइयाँ होती है वो सब दे रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे। आप लोगों में से किसी को भी ये पता नहीं है कि एक्चुअली जब कोको गया उसके बाद एक हफ्ते तक ऑलमोस्ट वो मेरे साथ क्या हुआ, वो आपको पता ही नहीं है। और लोगों को लगता है हाँ कोको चला गया, और वो एक वीडियो आ गया आपके सामने, जो वीडियो एक्चुअली आप लोगों ने देखा है, मैंने आज तक नहीं देखा, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वो वीडियो देखने की। तो आपको बताती हूँ, हबीबी के जो फादर हैं वो करीब 4 बजे करीब मैंने सिमरा को मैसेज किया, मैसेज छोड़ा कि कोको क्रिटिकल है, तो 4 बजे करीब मैंने उनको मैसेज किया, और 4:30 बजे मेरी कितने भी मना करने पे भी हबीबी के जो फादर हैं दे आर सच नाइस पीपल, 4:30 बजे हबीबी के फादर हॉस्पिटल में थे हमारे पास। तो मुझे नहीं पता था कि बाहर से वो एक्चुअली वीडियो बना रहे हैं फॉर माय मेमोरीज। लोगों को लगता है कि वो अविनाश ने वीडियो बनाए या हमने वीडियो क्यों बनाए, हमने बनाए नहीं थे, आप सब लोग बहुत कंसर्न थे और सब लोग जानना चाहते थे कि एक्चुअली हुआ क्या, तो अविनाश ने वो वीडियो डाल भी दिए। मेरे फादर का भी ऐसा ही था, जब फादर की डेथ हुई ना तो जो हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस थी मैं वो दिखाना चाह रही थी, मुझे नहीं पता था कि उसके आधे घंटे बाद मेरे फादर की डेथ हो जाएगी।
मुझे नहीं पता था लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है और ये मेरे पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल के गई है। ये दो चीजें जो हुई है ना मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल के गई है। मैं अपने फादर के भी डेथ से उभर ही रही थी और जो कोको का चले जाना एक हफ्ते तक, मैं आपको बताती हूँ, मैं ना मेरा बीपी लो हो गया और कुछ मेरे फ्रेंड्स आए मुझसे मिलने के लिए, मुझे कंसोल करने के लिए, बट मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अविनाश को एक बार ये लगा कि मुझे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। आई वॉज इन सच अ बैड स्टेट। लेकिन उस समय जो हुआ ना कोको के साथ, जो भी कोको के चले जाना, शॉकिंग मेरे लिए बहुत छोटा वर्ड है, मेरे लिए बहुत ही वो लाइफ चेंजिंग रहा है। मैं अपनी कोको को जिंदगी से जाते हुए कभी नहीं देखना चाहती थी। वो मैं एक ऐसा सच था मैं जो अपने आप को बता ही नहीं रही थी, कोको जाने वाला है। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा ना सेंसिटिव हूँ इन नेचर। आई जस्ट मेक व्लॉग्स और बस कोशिश करती हूँ कि जितनी मैं खुशियाँ आप लोगों तक फैला पाऊँ या खुशियाँ आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, मैं वो कर देती हूँ। मैं बहुत ज्यादा जो टफ सिचुएशन है मेरी लाइफ की कुछ दिखाती हूँ, बहुत कुछ नहीं दिखाती हूँ। सो आई रियली होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं बहुत मिस करती हूँ कोको को, बहुत ज्यादा। आपको क्या बताऊँ, इवन शायद अविनाश को भी बहुत कम बता पाती हूँ, लेकिन वो सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि वो अविनाश का भी डॉग नहीं था, वो मेरा डॉग था, वो मेरा बच्चा था एकदम। अविनाश के इतना क्लोज नहीं था कोको। तो एंड करती हूँ मैं यहीं पे। जी मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बनाऊंगी भिंडी। अमिता ने सब कुछ काट के रखा हुआ है, ये सब कुछ काट के रखा हुआ है, मुझे सिर्फ बनाना है। तो इजी हो जाता ना कितना। ऐसे ही मैंने कहा, ये तो कह नहीं रही थी कि अरे मैं बना लेती हूँ, मैंने कहा नहीं आज मैं बनाती हूँ। अच्छा जब आप बनाते नहीं हो ना तो आदत भी खत्म हो जाती है, वही हो गई मेरी। थोड़ी सी हींग डालूं क्या, जो आपको ठीक लगे। हंसी क्यों आ रही है तेरे को? मैं तो नहीं डालती, आप डालो, आप बना रहे तो आप डालो। नहीं डालती ना, फिर मैं भी नहीं डालती। चल तुम भी नहीं डालती तो मैं भी नहीं डालू। जी थोड़ा सा मिर्चा, मुझे कुकिंग पसंद तो बहुत है, लेकिन तब जब चीजें कट के मिल जाए काटनी पड़े ना, थोड़ा ऐसा आता यार। हैट्स ऑफ टू अ लॉट ऑफ लेडीज यार, जो घर का काम इतनी इजीली करती हैं। इतना इजी है नहीं, ये इजी तो तब लग रहा है ना जब अमिता ने काट दिया मेरे को, मतलब काट दिए तो ये मेरे को नहीं प्याज को। चलो नमक प्याज में जाएंगे। होगा मैंने बाकी मसाले पहले के नहीं डाले, मैं बाकी मसाले सब बाद में डालती हूँ। मतलब थोड़ा नमक डाल दिया मैंने भिंडी में और अब मैं भिंडी को पकने दूंगी और उसके बाद डालूंगी सारी चीजें। तो यहाँ पे डॉग फीडर के लिए खाना दे रही हूँ नीचे, जैसा कि मैंने आपको बताया था काट के आपको देना है। अरे ऐसे घसीटते हो ले, ये लो भैया, थैंक यू। अगर फ्रिज में कुछ ऐसा मसाला है मजेदार चटकदार चाट मसाला, नहीं नहीं ना 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 ना, अरे 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 अरे, हमारी भिंडी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। देखिए बस अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अमचूर। हाँ भिंडी आ गए, पापा भी आ गए। तो जी वर्कआउट करके मैं आ गया हूँ घर, घर में घुसते क्या हुआ, ये अचानक से टूट क्यों पड़ी मेरे ऊपर, जैसे ही देखा कि मैं ब्लॉक कर रहा हूं। मेरे को नहीं पता था तुम ब्लॉक कर रहे हो, सच्चे मुझे नहीं पता। आपको पता है ना मैं तो खाना बनाती हूँ, मुझे पता ही नहीं है ब्लॉक करना, मतलब मैं भिंडी बना रही थी ऐसे। क्या क्या क्या, अरे बेबी नाटक मत करो। ऐसी भिंडी मैंने देखा, मैंने कहा चलो सरसों के तेल की भिंडी बनाती तुम्हें अच्छी भी लगती है ना। नहीं लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं ना, मिलेगा नहीं कुछ इसके बदले। यहाँ पे हो गई है हमारी भिंडी तैयार, एकदम लबाबदार चटकदार। अविनाश को मजा आएगा आज खाने में। अमिता इसको ना अब खोलना मत, ढके रहने देना 5 मिनट और उसके बाद निकाल देना इसका ये, ताकि वो गिलगिली ना हो जाए। माय भिंडी स्टार। तो जी मेरा बेबी आ गया है, बेबी काम से आ गया है, मेरा बेबी काम से आ गया है। और मुझे पता चला है मेरी बेबी आज इतनी जोश में थी कि मेरी बेबी ने ब्लॉग नहीं वेब सीरीज शूट कर दी। मैं बोलने लगती तो बहुत बोल जाती हूँ ना, मुझे पता नहीं चलता। हो सकता है ये ब्लॉग आधे घंटे का हो, लेकिन आपसे गुजारिश है आज झेल लीजिए, कल से छोटा रखेंगे। एक्चुअली क्या होता है मेरे साथ, मैं जब शुरू करती हूँ बोलना तो मैं फ्लो में ना फ्लो हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता वेयर टू स्टॉप। और ये तो बेचारा कैमरा डांट भी नहीं पाता होगा।
इंसानों को बोल भी दे चुप हो जाओ, कैमरा बेचारा सही जा रहा है, सही जा रहा है, क्रैक आ गया लेंस पे, ये काम कर रहा था तो कैमरा बाद में आया, एक वीडियो चेक करते कहते ये कितने मिनट की फुटेज बनाई है तुमने, 19 मिनट की फुटेज थी, 19 मिनट की फुटेज, फर्जी का सीजन 2 संभावना ही शूट कर रही है। दोस्तों बातचीत का वो क्या कहते हैं, मैं कैमरा नहीं हूँ, मैं मुंह दबा दूंगा ठीक है, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, फालतू ना बोले, मुंह खेड़ लेती हूँ, क्या कर लेती हूँ, खेड़ लेती हूँ, मुंह उखेड़ लेती हूँ, मिलती दोस्तों अभी आपसे। तो जी दोस्तों, तो जी दोस्तों इस चीज को रिवाइंड कीजिएगा और सुनिएगा दोबारा इन्होंने क्या दोस्तों बोला है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है दोस्तों। आज मेरी बेबी ने इतना बोल दिया ना व्लॉग में कि मैंने इसके बाद व्लॉग में कुछ कहने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ये आपको शायद पता ना चले, आपको ये 12 14 15 मिनट का व्लॉग देखने को मिले, लेकिन ये कम से कम 40 मिनट का व्लॉग था जिसको काटते काटते मेरा खुद कट चुका है। तो इस व्लॉग को यही खत्म करते हैं फटाफट, ज्यादा नहीं बोलना, एकदम खत्म। मेरे को बोलने, मेरी जो बातें हैं मेरे को बोलने तो दो यार। अरे तो आज आखिरी व्लॉग थोड़ी है, कल बोल देना यार, मेरे को बोलना है यार, जल्दी खत्म करो, मेरे को बोलना है दोस्तों, मैं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, व्लॉग तो देखो चलता रहेगा, कोई बात नहीं, आज नहीं बोलने दे रहा मैं, कल बोलूंगी। एक औरत की आवाज कोई बंद नहीं कर सकता, जिस औरत को जो बोलना है। नहीं, एक औरत की तो बंद कर सकता है, लेकिन इस औरत की करना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों बहुत बोर हो चुकी हूँ, आज पूरा दिन घर में बैठी हूँ, एक सब्जी बनाने के अलावा, वो भी कटी हुई भिंडी मिली थी, कटा हुआ प्याज और कटी हुई मिर्च, उसके मैंने बना दी सब्जी, और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है दोस्तों, रात का खाना भी नहीं खाया मैंने, ज्यादा दफा हुआ यहाँ से। अब मैं चल रही सोने, आपको मिलांगे असी कल दे व्लॉग च, तद तक तुसी बखेड़ा ना पाओ, बखेड़ा तो देखो जिंदगी भर चलते ही रहना है, बखेड़ा ना पाओ, बखेड़ा असी डालेंगे कल दे व्लॉग च, तद तक ऐ व्लॉग तुसी लाइक करो, शेयर करो, जिन्ना हो सके सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइबर इतने वधते ही नहीं आ, जिन्ना भी देख दिया मैं पीछे बैक हेड जाके देख दिया, फिर देख दिया ऐ माई ने उठे तो उठे ही है ऐ यूट्यूब कुछ कुमारे है सानू, यूट्यूब डोंट डू दिस विद अस, असी पंजाबी गुना, डोंट डू दिस टू अस, एल्गोरिथम मिलाओ, मेरा व्लॉग को आगे बढ़ाओ, मिलते हैं आपको कल दोस्तों, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। चलो जी, इसके हिसाब से इसने कम बोला, ज्यादा बोलती है तो आज मुझे कमरा बदलना पड़ेगा।